चलें जी। तो हमने कल यहाँ तक किया था यूजर्स तक, तो आज इससे आगे जो है वो फिर हम स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली आज हमारे एजेंडे में दो चीज़ें शामिल हैं, एक तो इस चैप्टर को कंप्लीट करना है, फिर एक हमने सेकंड चैप्टर जो है वो भी हमने स्टार्ट करना है। तो इसको जो है वो शुरू करते हैं। अच्छा, इसमें क्या क्या एडवांटेजेस क्या है, कुछ हम चीज़ें जो है वो हम साथ साथ ऑफ कोर्स के डिस्कस कर चुके हुए हैं, लेकिन ये कि जस्ट एक दो उनको पॉइंट वाइज देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें कंट्रोलिंग रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब होता है कि इसको हम कहते हैं अननेसेसरी रेपिटेशन, कि एक चीज़ है उसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन वो फिर भी रिपीट हो रही है। बाज़ूकात रेपिटेशन हम करते हैं बाज़ सिनेरियोज में, लेकिन ये होता है कि अगर कोई चीज़ उसकी ज़रूरत नहीं है और बिला मकसद रिपीट हो रही है तो फिर हम उसको रिडंडेंसी कहते हैं। उसका जो एक सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि जो आपकी डाटा स्टोरेज है वो वेस्ट हो रही होती है। जाहिर बात है कि एक ही चीज़ को अगर आप दो दफ़ा या तीन दफ़ा उसको स्टोर करेंगे तो वो वेस्टेज उसको हम कहेंगे, उसको हम ये नहीं कह सकते कि इस यूज़फुल इस वेस्टेज। और इसके अलावा क्या होता है कि उसमें उसमें एक और उसका लॉस होता है कि आपको जो है उसमें एक्स्ट्रा आपको उसमें मेंटेनेंस एफर्ट्स जो है वो करनी पड़ती हैं, क्योंकि अगर वो एक ही डाटा, जिस तरह से हमने फाइल बेस अप्रोच में देखा था कि एक ही किस्म का डाटा है वो दो डिफरेंट जगहों पे पड़ा हुआ है, तो अगर आप एक को अपडेट करेंगे फिर आपको ऑटोमेटिकली दूसरे को भी अपडेट करना पड़ेगा, तो उसमें जाहिर सी बात है कि टाइम और एफर्ट जो है उसमें लगेगी। तो इस वजह से हमने कहा था कि हम ये करते हैं कि इस तरह से फाइल डिफरेंट फाइल्स बनाने के हम एक कलेक्शन बनाते हैं, शेयर्ड कलेक्शन, ताकि जो है वो जो भी अपडेट हो या जो वट एवर जो भी हो वो सब यूजर्स को इक्वली विजिबल हो। अच्छा, रिस्ट्रिक्टिंग अनऑथराइज एक्सेस टू डाटा, ओनली द डीबी स्टाफ यूजेस प्रिविलेज्ड कमांड्स एंड फैसिलिटीज। ये भी हमने देख लिया था कि डेटाबेस जो है ना, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली हमें फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं कि हम यूज़र के प्रिविलेजेस डिफाइन कर सकते हैं, किसको कितना कितना डाटा जो उसको देख सकता है। तो इसका फायदा ये होता है कि कोई अनऑथराइज यूजर जो है वो आपके डाटा को एक्सेस नहीं कर सकता। थर्ड पॉइंट इसमें यह है कि प्रोवाइडिंग परसिस्टेंट स्टोरेज फॉर प्रोग्राम ऑब्जेक्ट्स, प्रोवाइडिंग स्टोरेज स्ट्रक्चर इंडेक्सेस फॉर एफिशिएंट क्वेरी प्रोसेसिंग। तो इसमें क्या होता है कि इंडेक्सेस होते हैं, इंडेक्सेस आप ये कह लें कि एक तरह से इस तरह से होता है कि कुछ एक तरह के ट्रिगर कुछ मार्कर्स कह सकते हैं, यहाँ जो फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा होता है उसको आप जो है वो अलहदा से उसको नंबरिंग दे सकते हैं और बाद में उसको जो एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सिर्फ इसलिए होता है कि जो यूज़र जो डाटा फ्रीक्वेंटली एक्सेस हो रहा है वो यूज़र को जो है वो जल्दी मिल जाए उसे। प्रोवाइडिंग ऑटोमेशन ऑफ ऑप्टिमाइजेशन ऑफ क्यूरीज फॉर एफिशिएंट प्रोसेसिंग, प्रोवाइडिंग बैकअप एंड रिकवरी सर्विसेज, प्रोवाइडिंग मल्टीपल इंटरफेसिस टू डिफरेंट क्लासेज ऑफ यूज़र। तो ये हमने जो बात की थी, ये व्यूज़ की बात की थी कि हर यूज़र का व्यू जो है वो डिफरेंट होता है, वो यहीं पे उसका जिक्र हुआ है। रिप्रेजेंटिंग कम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स अमंग डेटा, भी तो आगे चल के हम देखेंगे कि जब हम एंटिटीज डिफाइन करते हैं फिर हम उनके दरम्यान में डिफरेंट रिलेशनशिप्स जो है वो भी हम डिफाइन करते हैं। इन्फोर्सिंग इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स ऑन डेटाबेस। इंटेग्रिटी का मतलब ये होता है कि डाटा आपका जो है कंसिस्टेंट होना चाहिए, उसी उसमें किसी तरह की जो है वो अनोमली नहीं होनी चाहिए। अनोमलीज का मतलब ये होता है कि एक जगह पे डाटा कुछ हो रहा है, दूसरी जगह पे डाटा और दूसरी जगह के कुछ हो रहा है, तो हम इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स है वो अप्लाई करते हैं। तो उसकी वजह से क्या कहता है कि इनके वजह से क्या होता है कि इन कंस्ट्रेंट्स की वजह से क्या होता है कि डाटा आपका एक कंसिस्टेंट स्टेट में रहता है। अच्छा, ड्रॉइंग इंटरफेसिस एंड एक्शंस फ्रॉम द स्टोर डाटा यूजिंग डिडक्टिव एंड एक्टिव रूल्स एंड ट्रिगर्स। और उसके बाद जो उसकी लिमिटेशन है अगर उसको देखें, एडिशनल इम्प्लीकेशंस उसमें क्या है कि पोटेंशियल फॉर इन्फोर्सिंग स्टैंडर्ड, या आप स्टैंडर्ड्स भी जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। स्टैंडर्ड रेफर्स टू डेटा आइटम नेम, डिस्प्ले फॉर्मेट, स्क्रीन, रिपोर्ट स्ट्रक्चर, मेटा डेटा डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, वेब पेज लेआउट एक्स्ट्रा। तो हम स्टैंडर्ड्स अप्लाई कर सकते हैं, उससे क्या होता है कि अक्रॉस द एप्लीकेशन हमारा जो जो डाटा नेमिंग फॉर्मेट्स हैं या डिस्प्ले फॉर्मेट्स हैं वो एक एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रहते हैं, कि अगर हमें चेंज भी करना पड़े तो उसमें कोई इशू जो है वो ना हो। रिड्यूस एप्लीकेशन डेवलपमेंट टाइम,
तो इसका एक एक जाहिर बात है, इम्पोर्टेंट फायदा यह है कि आपने ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, आपने सिर्फ एक इंटरफेस तैयार करता है जो कस्टमाइज इंटरफेस होता है, जिसके जरिए आपने अपने डाटा को सिर्फ एक्सेस करना है, बाकी सारा काम जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम खुद ही से हैंडल जो है वो कर रहा होगा। तो उससे ओवरऑल आपकी जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट टाइम है वो बहुत कम हो जाता है। यानी आप इस तरह से जूम कर लें कि जो अर्ली एप्लीकेशन थी उसमें ये था कि जो डेवलपर थे उनको बैक एंड और फ्रंट एंड सब डेवलप करना पड़ता था, लेकिन अब जो है वो जो एप्लीकेशन डेवलपर्स हैं वो सिर्फ क्या करते हैं कि वो सिर्फ फ्रंट एंड डेवलप करते हैं। तो इससे ओवरऑल जो आपका आप कह सकते हैं कि जो आपका डेवलपमेंट टाइम है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया। फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज डेटा स्ट्रक्चर्स, तो हमने जिस तरह से हम अभी अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि हम डिफरेंट जो है वो जो हमने कॉन्सेप्चुअल लेवल और जो हमने लेवल्स डिफरेंट उसके रखे हैं उसकी वजह से ये पॉसिबल है कि हम जो डेटा स्ट्रक्चर जो बेसिकली डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होते हैं, प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट होते हैं, जिसके वजह से जिससे हम डिफरेंट अपने जो टेबल्स को या दूसरी चीज़ों को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो हम डिफरेंट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो उस वो डिपेंड इस चीज़ पर करता है कि अगर रिक्वायरमेंट है तो आप उसको चेंज कर दें, लेकिन उसे डेटा जो डेटाबेस है उसके कॉन्सेप्चुअल मॉडल के और उसके एक्सटर्नल लेवल पे कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ करंट इन्फॉर्मेशन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सिस्टम सच एज शॉपिंग, एयरलाइन ना होटल, कार रिजर्वेशन। तो उसमें करंट इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि अक्सर आपने कभी कोई वेबसाइट विजिट की हो, जैसे ई कॉमर्स की कोई वेबसाइट है, द्रास को अगर आपने विजिट किया हो, अक्सर वो बता रहे होते हैं जी कितनी आइटम जो है वो सोल्ड होगी। इस तरह से ये बेसिकली ये तो इन्वेंट्री का काम होता है कि इन्वेंट्री में स्टोर इन्वेंट्री जो होती है उसमें हम ये देखते हैं कि कितने आइटम्स जो हैं वो सोल्ड हुई कितनी रह गई। तो यहाँ पे इसका पर्पज़ ये है कि यूज़र को थोड़ा सा उसको बताना, उसको एक तरह से उसको एंक्शियस करना कि ये चीज़ जो है ये बहुत जल्द सेल हो जाएगी तो आप जल्दी से इसको खरीद लें। तो मे बी इसमें थोड़ी सी एग्जेजरेशन भी हो कि वो जितनी जितना वो शो कर रहे हैं कि जी दो आइटम्स रह गई हैं, तो ऐसे नहीं भी हो, लेकिन जस्ट ये होता है कि जो भी करंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल सकती है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, वेस्ट और ओवरलैप रिसोर्सेज एंड पर्सन कैन बी अवॉइडेड बाय कंसोलिडेटिंग डेटा एंड एप्लीकेशन अक्रॉस डिपार्टमेंट। तो ये इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो ये जो जो खासतौर पर जो रिलेशनल डेटाबेस अप्रोच जिस वक्त अप्लाई होना शुरू हुई, तो उस ये पुरानी जो नेटवर्क मॉडल या जो फाइल बेस्ड सिस्टम थे उनकी निस्बत ये इनकी जो ओवरऑल इनकी कॉस्ट थी वो कम थी। उसकी तो एक वजह ये थी कि जो सॉफ्टवेयर इसमें यूज़ हो रहा है यानी कि जो DBMS यूज़ हो रहा है वो उसका जो लाइसेंस फी वगैरह वो आपको वो कस्टमाइज नहीं है, हर हर कंपनी अपना नहीं बनाती, वो एक सॉफ्टवेयर है, आपने थोड़ा सा उसकी फ़ी पे करनी है और आप उसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो उसके अलावा वो आपको मेंटेनेंस और सर्विसेज भी देंगे, बाकी फैसिलिटीज भी आपको जो है वो देंगे। तो इसके अलावा क्या होता है कि जो रिसोर्सेज उनको चाहिए ख़ासतौर पे जो ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए वो इनको ऑपरेट करने के लिए जो है वो काफ़ी कम कम जो है वो चाहिए। तो इस तरह से क्या होता है कि ओवरऑल अगर आप देखें तो ये जो हमारी डेटाबेस सिस्टम की अप्रोच है जो कि रिलेशनल जिसमें हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि हमारी ओवरऑल कॉस्ट जो है वो काफ़ी कम हो जाती है। अगर हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात करें तो ये थोड़ा सा इस पर हम आगे चल के भी चैप्टर नंबर 3 में भी बात करेंगे, लेकिन जस्ट ये कुछ चंद एक पॉइंट्स हैं तो उसको हम देख लें। तो अर्ली 1960s में जो है इन सॉरी इन मिड 60s में हम हायरार्किकल एंड नेटवर्क मॉडल इंट्रोड्यूस हुए थे, और ये मोस्ट ऑफ द जब तकरीबन आप कह लें कि मिड 70s 60s में ये जब इंट्रोड्यूस हुए उसके बाद ऑलमोस्ट 70s तक भी ये यूज़ होते रहे। और बेसिकली उस दौर में क्या था कि हमारे पास सिर्फ एक तरह के सिस्टम होते थे जिनको हम मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो है वो कहते थे। ये काफ़ी बड़े सिस्टम है, इनको आप सर्वर्स भी कह सकते हैं, लार्ज बल्क सर्वर्स आप भी कह सकते हैं। अब भी ये यूज़ होते हैं, ये नहीं कि अब भी ये यूज़ नहीं होते, अब भी ये कंप्यूटर्स जो यूज़ होते हैं मोस्टली जो लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन हैं वो अभी भी मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। तो इसके जो है वो इसमें इसमें बेसिकली इनका इनका जो एक मेन फीचर है वो ये है कि जो डाटा है वो आपका एक मेन फ्रेम कंप्यूटर पे होता है और बाकी जो क्लाइंट्स हैं वो उसके साथ कनेक्टेड होते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ कि 1970s में अर्ली 1970 में रिलेशनल ईएफ कोड की हमने बात की थी कि ईएफ कोड ने प्रोफेसर ईएफ कोडिंग्स ने जो है रिलेशनल डेटाबेस मॉडल जो इंट्रोड्यूस करवाया था।
और उसके बाद फिर क्या हुआ कि जो 80s का जो अर्ली दौर था उसमें जो है इसकी पॉपुलैरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई। अच्छा, उसके बाद फिर जो है वो तकरीबन करने के अर्ली 90s में, लेट 80s में और अर्ली 90s में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो इंट्रोड्यूस होना चाहिए। तो आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी, आपको इसके बारे में पता है कि इसमें जो भी इसमें बेसिकली क्लास होती है और क्लास से जो है फिर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये जो एंटिटीज का कॉन्सेप्ट है उससे बड़ी क्लोज है कि इसी तरह से जो क्लास की और अगर आप एंटिटी की जो एक डेफिनेशन देखें तो आप देखेंगे कि वो तकरीबन जो है वो सेम ही है। और ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ये जो आप कहने के जो कॉम्प्लेक्स डाटा जैसे कि कैड है, कंप्यूटर असिस्टेड डिज़ाइन, ये बल्कि 80s का आप समझ लें कि ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि डिज़ाइनिंग के लिए जो है वो कंप्यूटर्स जो है वो इस्तेमाल होना शुरू हो गए थे। तो उसके लिए कंप्यूटर एडिट कैड एप्लीकेशन जो है वो डेवलप, जैसे कि ऑटो कैड एक बड़ी मशहूर है, शायद आपको इसके बारे में जो है वो कभी आपने सुना हो। अब भी शायद ये जो है ये सिविल इंजीनियर्स वगैरह जो है वो इसको डिज़ाइनिंग के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। तो इनमें जो है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो इस्तेमाल हुए थे। मैरी रिलेशन DBMS हैव इनकॉर्पोरेट ऑब्जेक्ट बेस्ड कॉन्सेप्ट लीडिंग टू द न्यू कैटेगरी कॉल्ड ऑब्जेक्ट रिलेशनल DBMS। तो इसी तरह से मैंने आपको कहा कि ऑब्जेक्ट की और अगर आप एंटिटी की डेफिनेशन देखें तो सॉरी क्लास की और एंटिटी की, तो ये काफ़ी क्लोज है एक दूसरे से। एंटिटी कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो आपके इन्वायरमेंट में जिसके मुतलिक आप डाटा जो है कलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से क्लास क्या होती है, क्लास के दो हिस्से होते हैं, इसके कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं या इसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं और इसके अलावा इसका कोई बिहेवियर होता है जिसको कि हम फंक्शन से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो इनमें काफ़ी ज़्यादा इनमें रिजेंबलेंस है। तो इस वजह से जो है वो फिर ये हुआ कि जो रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम को यूज़ करते हैं उनको फिर ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। एक्सटेंडेड रिलेशन सिस्टम एंड फर्दर कैपेबिलिटीज फॉर एग्जाम्पल मल्टीमीडिया डाटा, टेक्स्ट, XML एंड अदर डाटा टाइप्स जो हैं वो भी इनके अंदर जो इनकॉर्पोरेट हुए। और उसके अलावा ये है कि डेटा ऑन वेब एंड ई कॉमर्स भी 95 में, आपको याद है 1995 में इंटरनेट जो इंट्रोड्यूस हुआ था। और उसके बाद से जो है फिर ये हुआ कि हम जो वैसी एप्लीकेशंस बनाएं, ऐसा सिस्टम बनाएं कि हम अपने जो डेटाबेस में जो डाटा है उसको हम वेब के जरिए जो अप्लाई कर सकें। तो ऑफ कोर्स आप इससे फेमिलियर हैं, HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है और इसके जरिए आप वेब पेजेस बना सकते हैं। उसके अलावा जो XAML स्टैंड फॉर एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज, ये एक यूनिफाइड स्टैंडर्ड है और ये इसको कह लेंगे ये पोर्टेबल होता है, क्रॉस डिफरेंट एप्लीकेशन आप इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो जिस तरह से HTML में टैग होते हैं उस तरह से XAML में भी टैग होते हैं, लेकिन XAML में जो टैग्स हैं वो आप खुद से भी कस्टमाइज टैग भी जो है वो भी बना सकते हैं। जिस तरह से स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सच एज PHP, जावास्क्रिप्ट वगैरह, ये हुई। अच्छा, ये जो सिंपल HTML है ना, इसको आमतौर पे रेफर किया जाता है वेब 1.0। और इसमें ये था कि इसमें हमारे पास स्टैटिक पेज होते थे। स्टैटिक पेज से मुराद ये है कि उसके कंटेंट जो है वो फिक्स होते थे, यानी कि जो पेज बना हुआ है फिर उसके कंटेंट्स को आप चेंज नहीं कर सकते। फिर जब PHP आई तो इसको हमने कह दिया वेब 2.0। तो इसमें क्या है कि इसमें डायनेमिक पेज होते हैं। PHP की मदद से आप क्या कर सकते हैं कि आप डायनेमिक पेजेस जो हैं वो आप बना सकते हैं। डायनेमिक पेज ऐसे होते हैं कि जिनके कंटेंट जो हैं वो यूज़र की रिक्वेस्ट के मुताबिक है, यूज़र की जैसे जैसे वो देखना चाह रहा है उसके मुताबिक जो है वो चेंज हो सकते हैं। तो ये जो जो PHP है जैसे, इसको हम कहते हैं सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो बेसिकली ये स्क्रिप्ट होते हैं, ये लाइक अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप इसको जो है वो कह सकते हैं, इट्स लाइक अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेकिन इसका जो स्क्रिप्ट है, इसकी जो कमांड है वो सर्वर पे जाके एग्जीक्यूट होती है और सर्वर पे जाके फिर वहाँ पे जो डाटा है वो उसको गेट करके और फिर ये वापस जो ब्राउजर को सेंड करते हैं, ब्राउजर आपको जो डाटा रेंडर करके दिखा देता है कि ये डाटा जो है ये आपको जो है वो मिला है। तो यूज़र को इस तरह से लगता है कि जैसे वो एक फिक्स पेज है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन इनफैक्ट क्या होता है कि हर हर यूज़र के लिए जो है वो डाटा जो है वो डायनेमिकली जनरेट किया जा रहा होता है। अच्छा, एक्सटेंडेड अगर हम बात करें तो न्यू फंक्शनैलिटी। एक्सक्यूज जी बेटा। मी सर, सर PHP का दोबारा बता दें। हाँ जी, PHP जो है वो ये एक तरह की
इसको हम कहते हैं सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, और ये आप कह लें कि एक इस अ काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बेसिकली हम इसको कहते हैं, जिस तरह से जावा स्क्रिप्ट है वो भी है। तो मोस्टली जो आपका जो फ्रंट एंड है वो ये उसके आप कह लें कि उस फ्रंट एंड आप जो अपने वेब एप्लीकेशन है उसका फ्रंट एंड जो है वो इसमें बिल्ड कर सकते हैं। तो अगर आप हमारी भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है उसका कुछ हिस्सा जो है पीएचपी में जो है वो डेवलप हुआ हुआ है। तो ये काम इस तरह से करती है कि हम स्क्रिप्ट लिखते हैं, पीएचपी का स्क्रिप्ट लिखते हैं, क्यूरी उसके अंदर एम्बेड कर देते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि जब हम यूज़र जो है वो कुछ सिलेक्ट करता है, कुछ डाटा सिलेक्ट करता है, तो उसके बाद फिर ये होता है कि वो जो डाटा है ये जो स्क्रिप्ट होता है जो अभी आपने स्क्रिप्ट लिखा होता है सर्वर पे जाके एग्जीक्यूट होता है। यानी यूज़र उसको एक्सेस नहीं कर सकता, इस जस्ट वेरी सेफ, और उसको जो है वो आप सर्वर पे जाके एक्सेस हुआ, फिर क्यूरी के मुताबिक जो भी डाटा होता है वो डाटा सर मिल जाता है, वो वेब पेज को वो डाटा मिल जाता है, और वो उसको जो है वो उसको डिस्प्ले कर देते हैं। तो इनफैक्ट हम क्या करते हैं कि इसकी जो कमांड्स हैं पीएचपी की कमांड्स हैं वो हम एचटीएमएल टैग्स के अंदर ही लिखते हैं, जिस तरह से एचटीएमएल में डिफरेंट टैग्स होते हैं तो उसके अंदर ही हम जो है वो कमांड्स एक्चुअली जो है वो लिखते हैं। यानी पेज का स्ट्रक्चर जो है वो सारा एचटीएमएल की तरह ही बनाते हैं, लेकिन उसके अंदर जो है वो हमने पीएचपी की कमांड्स लिखी होती हैं। तो ये आपको पता है कि जो आप अगर आप कोई पेज बनाते हैं, कोई भी वेब पेज बनाते हैं, तो उसकी एक्सटेंशन होगी डॉट एचटीएमएल, या आमतौर पे होती है डॉट एचटीएम होती है, लेकिन जो पीएचपी का पेज होगा इसकी एक्सटेंशन जो है वो होगी डॉट पीएचपी, इस तरह से जो है वो होगा। तो लेकिन ये होगा कि आपको जो यूज़र है, यूज़र इसके स्क्रिप्ट को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, वो एक तरह से कह लें कि वो जस्ट वो उसे यूज़र से इनपुट ली जाती है, और उसके बाद उसको जो जो भी आउटपुट होती है वो उसको स्टैटिक पेज की तरह उसको नजर आती है, उसको ऐसे लगता है कि जैसे एक स्टैटिक स्टैटिक पेज है वो उसको जो है वो दिखा दिया गया। तो मोस्ट ऑफ दी मोस्टली जो एप्लीकेशन है उनके फ्रंट एंड जो है वो इसी पे जो है आप ये कह लें कि ये पीएचपी में जो है वो बने हुए हैं जी। बट अगर वो कोई और क्वेश्चन है आपके जहन में तो वो आप पूछ लें। नहीं सर, थैंक यू। ओके, एक्सटेंडेड की हम बात कर रहे थे कि ये डिफरेंट जो मतलब सिर्फ जो है वो टिपिकल जो डेटाबेस है उसमें हम इसको नहीं यूज़ करते, जो साइंटिफिक एप्लीकेशन है जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जेनेटिक्स में स्पेशल है, वेदर, अर्थ, एटमोस्फेरिक साइंस एंड एस्ट्रोनॉमी, एक्सएमएल, इमेज प्रोसेसिंग। एक्सएमएल और एचटीएमएल में डिफरेंस ये है कि एचटीएमएल में जो टैग्स हैं वो फिक्स होते हैं, और एक्सएमएल जो होते हैं इसमें आप अपना कोई अपना मतलब कस्टम टैग भी डिफाइन कर सकते हो। तो बेसिकली इसमें आपने करना क्या होता है कि आपने एक पेज का स्ट्रक्चर डिफाइन, डॉक्यूमेंट का एक स्ट्रक्चर डिफाइन करना होता है, फिर आपने उसका कंपाइलर भी लिखना होता है, वो भी आप लिखते हैं कि इसको डीकोड किस तरह से करना है, कि किस किस टैग का मतलब जो है वो क्या है। तो एचटीएमएल में तो फिक्स टैग्स होते हैं, वो तो आपको सीखना पड़ता है कि ये हेड टैग है, ये बॉडी टैग है, और ये हेडलाइन के लिए, टेबल के लिए है। लेकिन इसमें जो है वो आप अपने आप खुद से भी टैग्स जो है वो बना सकते हैं। फायदा इसका ये है कि ये क्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये पोर्टेबल होता है, और उसमें ये होता है कि फिर उसको फॉर्मेट चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप जस्ट अक्रॉस डिफरेंट एप्लीकेशन इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इमेज स्टोरेज एंड मैनेजमेंट, ऑडियो वीडियो डाटा मैनेजमेंट, टाइम सीरीज एंड हिस्टोरिकल डाटा मैनेजमेंट, द अबव गिव्स राइज टू न्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इनकॉर्पोरेटिंग न्यू डेटा टाइप्स, कम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स, न्यू ऑपरेशन एंड स्टोरेज एंड इंडेक्सिंग स्कीम्स इन डेटाबेस सिस्टम। तो इन सब में अब जाहिर बात है कि सिर्फ डेटाबेस एप्लीकेशन जो है वो बैंक्स नहीं यूज़ कर रहे, यूनिवर्सिटीज यूज़ नहीं कर रही, या ग्रोसरी स्टोर यूज़ नहीं कर रहे, अब ये साइंटिफिक एप्लीकेशन में भी यूज़ हो रहे हैं, और इसके अलावा जो वेदर फोरकास्टिंग है उसमें भी यूज़ हो रहे हैं, इमेज प्रोसेसिंग में तो बहुत सारी इसकी जो है वो नई इसकी डायमेंशन जो हैं वो आ गई हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि डेटाबेस को कब, डीबीएमएस को कब यूज़ है वो नहीं करना चाहिए। उसके उसके कुछ सिनेरियोज है, मतलब हम मैं आपको समरी उसकी अभी, मैं इन पॉइंट्स के बाद मैं आपको उसकी एक समरी भी जो है वो बताऊंगा। लेकिन ये होता है कि ऐसा जो है वो बहुत बहुत कम ऐसे सिनेरियोज हैं कि जिसमें आप कहें कि डेटाबेस एप्लीकेशन जो है जो जो डेटाबेस जो एप्लीकेशन है वो फिजिबल नहीं होती या उनको आप यूज़ नहीं कर सकते, वो किसी न किसी हद तक जो है वो आपको फ़ायदा जो है वो ज़रूर देंगी। तो बहरहाल इसके बाद मैं आपको, इस स्लाइड के बाद मैं आपको समरी उसकी जो बताता हूँ।
main inhibitors cost of using a database are high initial investment and possible need for additional hardware, overhead for providing generality, security, concurrency control, recovery and integrity functions when a DBMS may be unnecessary. If our database and application are simple, well-defined, and not expected to change, if access to data by multiple users is not required, when a DBMS may be infeasible, and in embedded system where a general-purpose DBMS may not fit in available storage. तो यहाँ पे उसने basically तीन चीजें जो हैं, तीन scenarios बताए. एक आप कहने के ये this one is ऐसा scenario है कि जिसमें आप ये समझ सकते हैं कि जो डेटाबेस DBMS है उसकी उसकी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इन चीज़ों को हैंडल कर सके. उसमें जो आप कह लें कि जो डिमांड्स हैं या कंस्ट्रेंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा है, तो उसमें आपको जो है वो उसको नहीं यूज़ करना चाहिए. ये जो दूसरा स्नैरियो है इसमें क्या है कि अगर आप कोई DBMS यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है कि आप यू आर गोइंग फॉर एन ओवर किल. कि एक चीज़ है वो सिंपल एक्सेल में भी वो काम आप कर सकते हैं, लेकिन आप कहते हैं जी मैंने डेटाबेस एप्लीकेशन जो है वो बनानी है, तो उसमें ज़ाहिर सी बात है कि वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होगी आपकी, और बहुत ज़्यादा जो है वो उसमें फिर आपको उसकी मेंटेनेंस भी करनी पड़ेगी. ये सारे फैक्टर्स जो है वो जो है वो करने पड़ेंगे, तो उसमें ज़रूरत नहीं है. अगर आप अपना काम जो है वो एक्सेल पे कर सकते हैं तो ठीक है. अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन इतनी छोटी है, छोटा सा स्टोर है, तो ठीक है, आप एक्सेल जो है यूज़ करें उस पर, वही आपके लिए सफिशेंट होगा. या अगर आपने कुछ बनाना ही है तो आप जो एक्सेस है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, उसमें जो है वो आप काम कर सकते हैं. और इसके अलावा क्या है कि जो एम्बेडेड सिस्टम्स होते हैं, एम्बेडेड सिस्टम बेसिकली क्या हैं, दे आर सिस्टम्स ऑन अ चिप. इसको आप कह सकते हैं कि इट्स सिस्टम ऑन अ चिप. कार्स में लगे होते हैं मोस्ट कॉमनली, जो है वो क्या है कि कार्स में लगे होते हैं, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि ये जो है ना, ये रियल टाइम एप्लीकेशन में यूज होते हैं. रियल टाइम का मतलब ये है कि इनपुट के साथ ही आपने विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आपने आउटपुट जो है वो देनी होती है. तो मैं आपको इसको छोटा सा स्नैरियो बताता हूँ कि अक्सर जो कार्स है ना, अगर आप उनके कभी उनके फीचर्स पढ़े तो उसमें होता है ABS, उसमें होता है ABS ब्रेक. ABS बेसिकली स्टैंड्स फॉर एंटी लॉकिंग ब्रेक सिस्टम, उसको जो है वो हम कहते हैं ABS. इसका बेसिकली क्या होता है कि गाड़ी के अंदर चार टायर होते हैं, तो जैसे ही आप ब्रेक अप्लाई करते हैं ना, तो इसके अंदर अक्सर गाड़ियों के अंदर जो है ना वो ये होता है कि जो मॉडर्न जो बड़ी गाड़ियाँ जैसे 1300 CC की, 1000 CC की गाड़ी है, तो इनकी अक्सर जो है वो क्या होता है कि इनकी डिस्क ब्रेक होती है. रबर वाली ब्रेक नहीं होती बल्कि इसकी डिस्क ब्रेक होती है. तो डिस्क ब्रेक का क्या होता है कि जैसे ही वो अप्लाई करें तो फौरी तौर पर वो अप्लाई हो जाती है. उसमें रबर में ही होता है कि वो फ्रिक्शन होती है, तो समटाइम अगर गाड़ी की स्पीड ज़्यादा हो तो उसकी वजह से क्या होता है कि ब्रेक फौरी तौर पे अप्लाई नहीं होती, थोड़ा सा टाइम जो है वो ले लेती है. लेकिन जो डिस्क ब्रेक होती हैं ये इमीडिएटली अप्लाई हो जाती हैं. तो अब इसमें मसला इसमें क्या होता है कि जैसे आप ब्रेक अपने अप्लाई की, आपके चारों टायर जो है एकदम रोटेट करना बंद कर देंगे, और वो बिल्कुल ऐसे होगा कि आपकी जो गाड़ी है वो बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे एकदम से जो है वो आ जाएगी. उसकी वजह से एक जो नुकसान क्या हो सकता है कि स्किडिंग हो सकती है. स्किडिंग बेसिकली क्या है कि अगर रोड है वो थोड़ी सी गीली है, जैसे बारिश हुई हल्की सी और थोड़ा सा कीचड़ भी है, तो वो स्किड होके वो किसी और गाड़ी के साथ टकरा सकती है, या फिर क्या होता है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकती है. तो उसको अवॉइड करने के लिए करते हैं कि इसके अंदर ये ABS होता है. ये ABS क्या करता है कि कंप्यूटर चिप लगी होती है बेसिकली, ये एम्बेडेड सिस्टम इसके अंदर लगा होता है. ये क्या करता है कि ये कंटिन्यूसली जो है वो गाड़ियों से इसकी ब्रेक्स को सेंसर्स के जरिए इनपुट्स ले रहा होता है कि स्किडिंग तो नहीं हो रही, गाड़ी एक तरफ तो नहीं हो रही, तो ब्रेक्स फिर अप्लाई नहीं करता. आपने ब्रेक पैडल प्रेस किया होता है, लेकिन क्या होता है कि टायर्स जो है ना वो बिल्कुल एकदम से फ्रीज नहीं हो जाते. वो कोई ब्रेक थोड़ी देर के लिए वो ब्रेक टायर जो है ना वो छोड़ देता है, फिर दोबारा लगती है, फिर छोड़. तो इस तरह से जो ABS सिस्टम है ये इस चीज़ को इंश्योर करता है कि स्किडिंग ना हो, बिल्कुल एकदम से टायर को फ्रीज होने की वजह से स्किडिंग या कार जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल जो है वो ना हो. अब ये ऐसी एप्लीकेशन है कि इसमें जो जो इनपुट और उसके बाद जो आउटपुट के दरमियान में जो टाइम है, ये जो टाइम जितना आपको चाहिए ये जस्ट आपको मिली सेकेंड, कुछ मिली सेकेंड्स के अंदर जो है ना ये आपने काम जो है वो करना है. क्योंकि अगर एक सेकेंड भी देर होगी तो उतनी देर में हो सकता है कि गाड़ी जो है वो आपके आउट ऑफ कंट्रोल जो है वो हो जाए. तो उसमें ये है कि अगर आप कहें जी हम इसको इस डाटा को पहले DBMS में स्टोर करेंगे और उसके बाद फिर वहाँ से हम क्यूरी के जरिए करेंगे, तो उसमें तो हो सकता है कि कई सेकेंड्स लग जाएँ और उतनी देर में गाड़ी आपकी जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए.
और उसके अलावा क्या है कि उसमें इन सिस्टम्स में नॉर्मली इतना होता है कि छोटी छोटी छोटे से सिस्टम्स होते हैं, इनकी मेमोरी भी थोड़ी कम होती है, तो इतनी स्टोरेज अवेलेबल नहीं होती कि वहाँ पे आप अपना पूरा डेटाबेस सिस्टम इंस्टॉल करके और फिर उसके अंदर डेटा भी जो है वो स्टोर करें। तो ये तीन सिनेरियोस थे। पहला सिनेरियो ऐसे है कि इसमें ड्यू टू सम कंस्ट्रेंट्स के DBMS जो है वो इनफिजिबल है, क्योंकि आपकी हाई जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा है और आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये हो सकता है कि उसके लिए जो आपको इन्वेस्ट करना पड़े वो बहुत ज़्यादा और आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है वो फिजिबल ना हो। दूसरा सिनेरियो ये है कि उसमें आप सिंपलर सिस्टम यूज़ करके भी जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं, तो आपको DBMS यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरा सिनेरियो ये है कि जो एम्बेडेड सिस्टम है या जो रियल टाइम सिस्टम है उसके लिए भी कहने के जो DBMS है वो इनफिजिबल है। व्हेन नो DBMS बेस सफाइस, एक और इसमें जो है वो क्या है, ये वैसे मैंने अभी बात की थी थोड़ी सी, कि इफ देर आर स्ट्रिंजेंट रियल टाइम रिक्वायरमेंट्स दैट मे नॉट बी मेट बिकॉज ऑफ DBMS ओवरहेड टेलीफोन स्विचिंग। तभी एक मैंने आपको एग्जांपल दी थी, ये जो हमारी टेलीफोन एक्सचेंज है इसमें आजकल जो है डिजिटल एक्सचेंज है सारी, तो इसमें जो स्विचिंग होती है वो सारी आप कह लेंगे डिजिटल स्विचिंग होती है, मल्टीप्लेक्सर्स लगे होते हैं, हम उनको जो है वो कहते हैं मल्टीप्लेक्सर जो है वो हम उनको कहते हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है कि इसी तरह से आप ये कह लें कि 10 × 2 एक स्विच सा होता है, कि 10 इनकमिंग लाइन होती है, 2 आउटगोइंग होती है। तो जैसे ही कोई इस तरह से रिक्वायरमेंट आती है तो इन 10 को 2 पे जो है वो राउट करना होता है, तो ये सारी स्विचिंग जो है ऑटोमेटिकली मल्टीप्लेक्सर के जरिए जो है वो होती है। तो ये अब ये होता है कि जैसे ही यूज़र ने कॉल मिलाई, अगर लाइन फ्री है तो उसकी कॉल फौरी तौर पर जो है मिल जानी चाहिए। तो लेकिन अगर आप DBMS यूज़ करते हैं तो मे बी DBMS ओवरहेड की वजह से वो ये काम फौरी तौर पर जो है वो ना हो। इफ़ द डेटाबेस सिस्टम इज़ नॉट एबल टू हैंडल द कम्प्लेक्सिटी ऑफ डेटा बिकॉज ऑफ मॉडलिंग लिमिटेशन इन कम्प्लेक्स जीनोम एंड प्रोटीन डेटाबेस, इफ़ द डेटाबेस यूजर नीड स्पेशल ऑपरेशन नॉट सपोर्टेड बाई DBMS GISM लोकेशन बेस्ड सर्विस। तो एक इसमें यहाँ पे सिनेरियो ये है कि जो डेटा जो है वो कम्प्लेक्सिटी उसकी इतनी ज़्यादा है कि वो DBMS उसको हैंडल नहीं कर सकता। नाम जिनोम जिनोम या प्रोटीन ये जो मोस्टली है ये जो DNA बेस जो मतलब सर्च है उसके अंदर जो है उसको यूज़ करते हैं। तो या इस तरह से है कि कुछ ऐसे DBMS है जो कि GIS या लोकेशन बेस्ड सर्विसेज को जो है सपोर्ट नहीं करते, तो वहाँ पे इसको जो है वो यूज़ नहीं करें। अच्छा, ये सारे चैप्टर की समरी है। यहाँ पे ये हमारा जो इंट्रोडक्शन का चैप्टर है ये मुकम्मल हुआ है। और इसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊँगी, आप कोई भी बुक पढ़ेंगे तो उसमें मोर और लेस जो है वो इंट्रोडक्शन में यही बातें जो है वो करवाई जाएंगी, आपको बताई जाएंगी। तो मैंने इस तरह से किया है कि मैंने अगर आप अपना अभी देखें, अपना GCR जाके देखें, तो मैंने एक नई बुक जो है वो अपलोड की है। ये बुक जो है ये मैंने पहले जब मैंने DBMS पढ़ाया था तो उस वक्त मैंने ये बुक जो है उस वक्त इसका फोर्थ एडिशन था, लेकिन मैंने फोर्थ एडिशन पढ़ाया था लेकिन ये अब सिक्स्थ एडिशन जो है ये इसका आ गया हुआ है। थॉमस कनोली की बुक है एंड दिस इज़ वेरी गुड बुक। और उसमें यह है कि इसमें इसमें जो सिंपल लिखी हुई है और काफ़ी डिटेल से जो है वो चीज़ों के बारे में जो एक्सप्लेन किया गया है। तो अगर आप इसका भी फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो ऑलमोस्ट उसमें यही बातें जो हैं की हैं जो कि हमने इस चैप्टर के अंदर जो है वो पढ़ी है। तो अब ये है कि अब वी कॉल इट थ्री लेवल NC स्पार्क आर्किटेक्चर। तो NC स्टैंड्स फॉर अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट इसको कहते हैं। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है विद इन अमेरिका जो कि स्टैंडर्ड्स बनाती है, और मोस्ट ऑफ दी स्टैंडर्ड इसके जो बनाए हुए स्टैंडर्ड्स हैं वो अक्रॉस द वर्ल्ड जो है वो जो है वो आप ये कह लें कि इम्प्लीमेंट होते हैं। तो इन्होंने एक जो है वो एक स्पेशल इन्होंने इन्होंने क्या किया था कि आप ये कह लें कि इन्होंने एक आर्किटेक्चर प्रपोज किया था फॉर डेटाबेस सिस्टम, तो उसको थ्री थ्री लेवल कहते हैं। तो मिनिमम जो मोस्टली जितने भी जो हैं ये आप ये कह लें कि
जितनी जितने भी जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो इसको जो है वो इसको फॉलो करते हैं। तो ये जिस तरह से ये है कि ये एनसी ने ये जो स्पेशल स्पेशल कमेटी आप ये कह लेंगे स्पेशल इसको आप कह सकते हैं स्पार्क स्टैंड फॉर स्पेशल प्लान सॉरी स्टैंडर्ड्स स्टैंडर्ड्स प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट्स कमेटी, ये स्पार्क का मतलब ये होता है। और ये सिर्फ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के लिए इन्होंने डेवलप की थी। तो इन्होंने प्रपोज किया था 3 लेवल आर्किटेक्चर उसको हम कहते हैं। इसके अंदर जो है ना 3 लेवल होते हैं, एक एक्सटर्नल लेवल है, एक कंसेप्चुअल लेवल है, एक इंटरनल लेवल है। ये आप समझ लें कि ये यूजर का लेवल है, ये जो सिस्टम आपका जो कंप्यूटर है ये उसका लेवल है, और ये उसके दरम्यान में एक मैपिंग प्रोवाइड करता है। ये एक्चुअली आपके डेटाबेस का डिजाइन है। तो दिस इज योर डिजाइन। अब होता है इस तरह से है कि यहाँ पे एक चेंज होती है फ्रॉम एक्सटर्नल टू कंसेप्चुअल लेवल और कंसेप्चुअल टू इंटरनल लेवल। और इसका मकसद ये है कि जो यूजर है उसको जो इंटरनल डिटेल्स हैं कंप्यूटर की जो इंटरनल जो कम्प्लेक्सीज है उससे बचाया जा सके। अब जो यूजर होता है वो कभी भी डायरेक्टली कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा होता। मतलब ये है कि जो डाटा किस तरह से स्टोर है, कौन से डाटा स्ट्रक्चर यूज किए हैं, किस फॉर्मेट में स्टोर है, हार्ड डिस्क में किस तरह से उसको स्टोर किया जाए, इस चीज़ को वो इससे उसका कंसर्न जो है वो नहीं होता। तो उसको सिर्फ इसी से कंसर्न होता है कि मैं जो डाटा रिक्वेस्ट करूँ मुझे मिल रहा है। अब वो कैसे मिल रहा है ये चीज़ थोड़ी सी उससे जो है वो हाइड की होती है। तो ये 3 लेवल जो है वो हम इसको करते हैं। तो एनसी जो एनसी स्पार्क है इसने भी 3 लेवल्स रिकमेंड किए थे, एक्सटर्नल कंसेप्चुअल और इंटरनल। तो उसमें ये है कि जो इंटरनल जो है वो क्या है कि द वे यूजर परसीव द डाटा इज कॉल्ड एक्सटर्नल लेवल, द वे द डीबीएमएस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम परसीव द डाटा इज द इंटरनल लेवल, एंड द कंसेप्चुअल लेवल प्रोवाइड्स बोथ द मैपिंग एंड द डिजाइन इंडिपेंडेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल लेवल। तो हमने बेसिकली करना क्या है कि ये यूजर है, इस साइड पे यूजर है और इस साइड पे मशीन है, ये इसके दरम्यान में जो है वो रिजाइड करता है। और इसका पर्पज ये है कि यूजर जो है वो डायरेक्टली जो है वो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट या उसकी कम्प्लेक्सिटीज के साथ जो है वो डील ना करे। तो हम इसको क्या करते हैं कि एक मैपिंग प्रोवाइड करते हैं। मैपिंग का मतलब ये होता है कि चेंज होती है फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल। और मैपिंग बेसिकली क्या होगी कि ये सिंपली रूल्स होंगे। रूल्स इस तरह से होंगे कि आप इसे कह सकते हैं कि उसको उसको कहा जाएगा कि इफ दिस एंड देन डू डैट, इस तरह का एक होगा कि उसको पता होगा कि ये चीज अगर है, अगर यूजर ने ये कहा है तो उसको किस तरह से किस फॉर्मेट में है, किस तरह से उसको जो है वो चेंज करना है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्चुअल लेवल ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि ये एक्सटर्नल और इंटरनल लेवल के दरम्यान में एक तरह से एक इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करता है। इसका फायदा ये होता है कि एक्सटर्नल लेवल का कंसर्न नहीं होता कि इंटरनली डाटा किस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है, और जो इंटरनल लेवल है ये इस चीज से इंडिपेंडेंट होता है कि इसके ऊपर क्या चेंज हो रही है। इसको हम कह देते हैं कि दिस इज द इंडिपेंडेंस, ये एक दूसरे पर डिपेंड जो है वो नहीं कर रहे होते। तो ये आप देख सकते हैं इसका है। यहाँ पे आप देखें कि ये यूजर है, यूजर के हर यूजर का अपना एक व्यू है। और फिर उसके बाद देखें कि कोई भी यूजर जो है वो डायरेक्टली इंटरनल जो है उसको इंटरनल जो स्कीमा है या इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको रिप्रेजेंट उसको जो है वो उसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा होता। तो ये सारा जो है वो कहाँ जाता है, कंसेप्चुअल स्कीमा में। कंसेप्चुअल स्कीमा में इसकी मैपिंग होती है, इंटरनल स्कीमा से डाटा लेके फिर ये जो वापस जो है फिर यूजर को जो है वो दिया जाता है। और जाहिर सी बात है कि इसी दौरान में जो है वो जो ऑथेंटिकेशन और प्रिविलेज वगैरह वो भी यहाँ पे रिजॉल्व हो जाती है, और ये भी देख लिया जाता है कि यूजर को क्या डाटा जो है वो उसको प्रोवाइड करना है। तो दिस इज वेरी वेरी सिंपलेस्ट व्यू। आगे इसकी जो है इसका क्या है कि इसका फायदा क्या है, ये कुछ पॉइंट्स हैं इसको देखते हैं। पहला ये है कि ईच यूजर शुड बी एबल टू एक्सेस द सेम डाटा बट हैव अ डिफरेंट कस्टमाइज व्यू डाटा। ईच यूजर शुड बी एबल टू चेंज द वे ही और शी व्यूज द डाटा एंड दिस चेंज शुड नॉट अफेक्ट अदर यूजर। पहली चीज तो ये इसकी चीज होगी कि हर हर यूजर का अपना व्यू होगा और वो अपना व्यू चेंज कर सकता है, और उसके व्यू चेंज करने से दूसरों पे कोई फर्क जो है दूसरों पे कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ेगा, दूसरे यूजर पे कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ेगा। यूजर शुड नॉट हैव टू डील डायरेक्टली विद द फिजिकल डेटाबेस स्टोरेज डिटेल सच एज इंडेक्सिंग और हैशिंग। इन अदर वर्ड्स अ यूजर इंटरेक्शन विद द डेटाबेस शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ स्टोरेज कंसम्पशन।
ठीक है, ये वही हमने बात की थी कि ये इंटरनली डेटाबेस को हम कैसे कर रहे हैं, इंडेक्सिंग कैसे हो रही है, हैशिंग कैसे हो रही है, इस चीज का आपका कंसर्न नहीं होना चाहिए। आपका कंसर्न सिर्फ ये है कि आपने डेटा रिक्वेस्ट किया, मिल गया, दैट्स इट, बस बात खत्म। द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर शुड बी एबल टू चेंज दिस डेटाबेस स्टोरेज स्ट्रक्चर विदाउट अफेक्टिंग द यूजर व्यू। तो इस तरह से बाज का इस तरह से भी होता है कि इंटरनल स्टोरेज चेंज होती है, लेकिन उससे जो यूजर को जो डाटा या जो भी नजर आ रहा है वो चेंज जो है वो नहीं होता। तो ये चीज हम यहाँ पे चाह रहे हैं। द इंटरनल स्टोरेज ऑफ डेटाबेस शुड बी अनअफेक्टेड बाई चेंजेस इन द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ स्टोरेज सच एज द चेंज ओवर टू अ न्यू स्टोरेज डिवाइस। तो इस तरह से क्या होता है कि जो इंटरनल स्टोरेज है वो डेटा किस तरह से स्टोर हो रहा है और हम डेटा कौन से डेटा स्ट्रक्चर जो है वो यूज कर रहे हैं, तो ये इससे जो है वो फैक्ट जो है वो नहीं होनी चाहिए। यानी वो प्रोग्रामिंग कंस्ट्रेंट्स वही जो कंस्ट्रक्ट्स है वही होने चाहिए और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो है जो डेटाबेस आप कह लें कि जो हार्ड डिस्क है या जो आपकी फिजिकल स्टोरेज है वहाँ पे किस तरह से डेटा स्टोर हो रहा है इससे उसका कंसर्न जो है वो नहीं होना चाहिए। तो अगर आप फर्ज करेंगे अगर आप कोई स्टोरेज डिवाइस चेंज भी कर देते हैं तो इससे आपके बाकी बाकी आपके डेटाबेस पे बाकी सिस्टम पे कोई इफेक्ट जो है वो नहीं होना चाहिए। द डीबीए शुड बी एबल टू चेंज द कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस विदाउट अफेक्टिंग ऑल यूजर। तो ये भी हो सकता है कि जो डीबी है वो उसका कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर भी चेंज कर सकता है। कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि ये आपके डेटाबेस है उसमें एंटिटीज कौन सी हैं, उनके आपस में रिलेशनशिप कौन सी है। ये चीजें हम लास्ट चैप्टर में भी जो है इसको हम देख चुके हुए हैं। तो उसका उसका जो है वो कोई इफेक्ट जो है वो यूजर के ऊपर जो है बाकी बाकी सिस्टम पे उसका कोई इफेक्ट ही होना चाहिए। यानी कंसेप्चुअल लेवल के ऊपर जो है वो एक्सटर्नल व्यू है जिसमें कि यूजर का होता है, तो यूजर को उसी तरह से डाटा मिलना चाहिए जिस तरह से उसको पहले मिल रहा था, और इसी तरह से जो है जो इंटरनल व्यू है उस पे भी कोई इफेक्ट इस चीज का जो है वो नहीं होना चाहिए। तीन चीजें इसमें के स्कीमास क्या होती है, मैपिंग और इंस्टेंसेस क्या होते हैं। द ओवरऑल डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेटाबेस इज कॉल्ड द डेटाबेस स्कीमा। और ये जो है ये तीन टाइप्स की होती है, एक्सटर्नल स्कीमा, कंसेप्चुअल स्कीमा और इंटरनल स्कीमा। तो जाहिर बात है कि जो एक्सटर्नल स्कीम है ये चीज़ बताती है कि एक्सटर्नली डेटा को जो है डेटा को उसको उसके व्यूज वो किस तरह से होंगे। कंसेप्चुअल स्कीमा जो उसका डेटाबेस का जो डिज़ाइन है उसको बताती है, और इस तरह से इंटरनल स्कीमा ये होती है कि हम कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं उस कंसेप्चुअल स्कीमा को इम्प्लीमेंट करने के लिए। द डीबीएमएस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैपिंग बिटवीन दीज थ्री टाइप्स ऑफ स्कीमा एंड डीबीएमएस आल्सो चेक कंसिस्टेंसी ऑफ स्कीमाज। अच्छा, उसके बाद आ जाती है कि जी मैपिंग्स क्या होती हैं। अब मैपिंग इज अ कन्वर्जन ऑफ वन स्कीमा टू अनदर। जब आप एक स्कीमा से दूसरी स्कीमा में चेंज करते हैं तो होता इस तरह से है कि अगर आप एक्सटर्नल से शुरू करें तो पहले एक्सटर्नल स्कीमा होती है, फिर वो चेंज होती है कंसेप्चुअल स्कीमा में, कंसेप्चुअल स्कीमा से फिर हम चेंज होते हैं जो है वो इंटरनल में। तो इसी तरह से इंटरनल जो है फिर रिवर्स होती है कंसेप्चुअल में, कंसेप्चुअल से फिर जो है वो एक्सटर्नल में। तो ये जो कन्वर्जन होती है इसको हम कहते हैं मैपिंग। तो ये दो तरह से होती है, कंसेप्चुअल से इंटरनल में मैपिंग होती है एंड दैट एनेबल्स द डीबीएमएस टू फाइंड द एक्चुअल ऑर्डर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉर्ड्स ऑन फिजिकल स्टोरेज। और फिर उसके बाद एक्सटर्नल टू कंसेप्चुअल होती है, एनेबल्स द डीबीएमएस टू मैप नेम्स इन द यूजर व्यू ऑन द रेलिवेंट पार्ट ऑफ द कंसेप्चुअल स्कीमा। तो ये दो तरह की स्कीमाज होती हैं, कंसेप्चुअल टू इंटरनल और इंटरनल टू कंसेप्चुअल। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक लिंक बन गया, एक्सटर्नल से कंसेप्चुअल में आएगी, फिर कंसेप्चुअल से इंटरनल में जो है वो चेंज होगी। यानी यूजर एक डाटा रिक्वेस्ट करेगा, अब वो देखा जाएगा कि इसको किस तरह से किस टेबल पे इसको मैप करना है, और फिर जब वो मैपिंग हो जाएगी फिर उसके बाद हमने देखना है कि फिजिकली ये रिकॉर्ड कहाँ पे पड़ा हुआ है और उसको रिट्रीव करके यूजर को जो है वो प्रोवाइड कर देना। तो जिस तरह से ये देखें ये किसके एग्जाम्पल है, ये दो व्यूज है, दो एक्सटर्नल व्यूज है। यहाँ पे आप देखेंगे ये दोनों व्यूज जो है वो सेम टेबल से आए हुए हैं, लेकिन अगर आप देखें तो एक ये जो व्यू वन है ये डिफरेंट है, व्यू टू डिफरेंट है। वो डेफिनेटली किस बेस पे डिफरेंट है कि ये इस बेस पे डिफरेंट, जो यूजर ने जो क्यूरी दी है ये उसके उस पर डिपेंड करता है। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि ये एक इस तरह का जो डाटा है वो आमतौर पर हम इस तरह से करते हैं कि सिलेक्ट क्यूरी के जरिए जो है वो हम करते हैं। तो अब जिस तरह से व्यू वन है इसने इसने ये कहा कि उसको ये पांच फील्ड्स हैं वो चाहिए, जो व्यू टू है उसने कहा मुझे सिर्फ ये तीन फील्ड्स हैं वो चाहिए। वो यहाँ पे सिलेक्ट के बाद बता देगा ये सीरियल नंबर चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए और एज चाहिए और सैलरी चाहिए, ये इस तरह से बता देगा। फ्रॉम
एम्प्लॉय टेबल, फर्ज करें कि ये एम्प्लॉय का टेबल है, वहां से उसे चाहिए। तो इसी तरह जो जो एक्सटर्नल व्यू होगा वो बताएगा उसको सिर्फ तीन नंबर जो है, तीन, ये तीन कॉलम जो है ये चाहिए। और ये हो गया, अब ये देखें एक्सटर्नल व्यू है, लेकिन ये मैप हुआ इस टेबल के ऊपर, यहाँ पे मैप हुआ, और यहाँ से जो है फिर हमने क्या किया, ये हमारे पास टेबल है स्टाफ का, उसके अंदर जो है ये डिफरेंट फील्ड्स हैं, उनके डेटा टाइप भी हमने जो है वो बता दिए, फिर हमने उसके इंडेक्सेस भी जो है वो भी बता दिए, इसके इंडेक्सेस जो है वो कौन कौन से, ये भी सारे, ये आपका इंटरनल व्यू हो गया, दिस इज योर कंसेप्चुअल व्यू, दिस इज द एंड दिस इज इंटरनल व्यू। अब आप देखें कि यहाँ पे इसमें आप देखें तो फर्क क्या है इनमें, इस पे इसके अंदर फर्क क्या है कि आप देखें कि ये फील्ड का नाम है स्टाफ नंबर, और यहाँ पे उसी नाम का वेरिएबल है, यहाँ पे एफ नेम है तो उसी नाम का वेरिएबल है, इधर ब्रांच नंबर है तो उसी नाम का वेरिएबल है, और ये एक स्ट्रक्ट जो है वो बनाया हुआ है, स्ट्रक्चर एक जो है वो बनाया हुआ है। तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, जरूरी नहीं कि ये एग्जैक्टली इसी तरह से हो, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो जाहिर बात है कि उसमें उसमें फिर ये स्ट्रक्चर नहीं होगा, उसमें तो ऑब्जेक्ट होगा, ये क्लास होगी, तो वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जस्ट फॉर योर के आपको ये बताने के लिए कि ये किस तरह से मैपिंग होती है, किस तरह से चेंज होती है, वो जो है वो आपको बता दें। अब इससे आगे क्या लेवल है, इससे आगे ये है, ये इंटरनल व्यू हो गया, और इससे फर्दर जो है वो यही है कि डाटा जो है वो जीरोज एंड वन के फॉर्म्स में होगा, और फिर उसको जो है वो हम किसी फिजिकल मीडियम के ऊपर जो है वो स्टोर कर सकते हैं। ठीक है जी, इसी तरह से जो इंस्टेंसेस हैं, इंस्टेंसेस क्या हैं, द डेटा इन द डेटाबेस एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम इज कॉल्ड डेटाबेस इंस्टेंस, द स्कीमा इज समटाइम्स कॉल्ड द इंटेंशन ऑफ द डेटाबेस, व्हाइल द एन इंस्टेंस इज कॉल्ड एन एक्सटेंशन और स्टेट ऑफ द डेटाबेस। तो ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये जस्ट लाइक इसको आप इस तरह से कह सकते हैं कि जैसे क्लास होती है और ऑब्जेक्ट होता है, तो क्लास आपको पता है कि दिस इज नॉट एन फिजिकल थिंग, ये बेसिकली बता रहा होता है कि डिजाइन कैसे होगा, जो एक्चुअल होता है जब आप किसी क्लास को इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो आपका ऑब्जेक्ट बनता है जो कि फिजिकल चीज होती है, वट एवर जो भी है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो इसी तरह से क्या है कि स्कीमा है और इंस्टेंस है, स्कीमा जो है वो एक तरह से कह रहे हैं जस्ट सा डिजाइन, और उसका उसमें जो एक्चुअल जब डेटा आएगा उसको आप कह देंगे इंस्टेंस जो है उसका कह दें। तो इस तरह से कहते हैं जी इंटेंशन, स्कीमा को इंटेंशन कहते हैं और इंस्टेंस को जो है वो हम कहते हैं कि इट इज एक्सटेंशन और स्टेट ऑफ डेटाबेस। ठीक है, थोड़ी सी हम ये बात कर लेते हैं कि डेटा इंडिपेंडेंस के ऊपर, कि डेटा इंडिपेंडेंस क्या होती है, इसकी पहले हमने थोड़ा सा जिक्र किया था। डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब यह है कि अपर लेवल्स आर अनअफेक्टेड बाय चेंजेस टू लोअर लेवल, और इसकी जो है वो आप कह लेंगे दो टाइप्स हैं, एक लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस है, दूसरी जो है वो क्या है, वो उसको हम कहते हैं फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस रेफर टू द इम्यूनिटी ऑफ एक्सटर्नल स्कीमास टू चेंज इन द कॉन्सेप्चुअल स्कीमा। तो इसमें ये होता है कि अगर आप एक्सटर्नल स्कीमा में कोई चेंज करें तो उससे कॉन्सेप्चुअल स्कीमा में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, या आप कॉन्सेप्चुअल में चेंज करें तो उससे एक्सटर्नल पे कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ना चाहिए। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस रेफर्स टू द इम्यूनिटी ऑफ द कॉन्सेप्चुअल स्कीमा टू चेंजेस इन द इंटरनल स्कीमा, यानी अगर आप कॉन्सेप्चुअल स्कीमा में चेंज करें तो उससे इंटरनल स्कीमा में कोई फर्क जो है वो जो है नहीं पड़ना चाहिए। तो ये दो तरह की होती है, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस और फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो ये देख लें, ये वही डायग्राम है जो हमने पहले देखी थी। तो यहाँ पे हमारे पास टॉप लेवल पे जो एक्सटर्नल स्कीमाज हैं, और ये हमें इंश्योर करती है, ये मैपिंग है एक्सटर्नल टू कंसेप्चुअल मैपिंग है, ये चीज को इंश्योर करती है कि डाटा जो है लॉजिकली इंडिपेंडेंट होगा। फिर उसके बाद हमारी कंसेप्चुअल टू इंटरनल मैपिंग है, ये चीज को इंश्योर करती है कि फिजिकल डाटा जो है फिजिकली इंडिपेंडेंट होगा, यानी इस लेवल पे जो मर्जी हम चेंजेस करें, कहने का मतलब ये है कि इस लेवल पे हम जो भी चेंज करें यहाँ पे उसका कोई भी इफेक्ट जो है वो नहीं होना चाहिए, या अगर हम यहाँ पे चेंज करते हैं तो उसका यूजर व्यू पे कोई इफेक्ट जो है वो नहीं होना चाहिए, ये हमारा मकसद है। और ये मैपिंग जो है वो सिर्फ क्या होते हैं कि रूल्स होते हैं, जस्ट लाइक रूल आप कह लें कि एक प्रोग्राम है वो आप करते हैं तो वो एक्सटर्नली अगर हम बता देते हैं कि अगर इस तरह से हो, इफ हो तो उसके अगर देयर देन डू दिस एंड इफ दिस एंड डू दिस, इस तरह की सिचुएशन जो है वो यहाँ पे होगी, तो उसको हम कह देते हैं कि दिस इज द डेटा इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो मेरे ख्याल में इतना इतना काफी है। ठीक यस सर, थैंक यू वेरी मच।